हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सबका डिजिटल कॉलेज पर। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक वीडियो को कंप्लीट किया था, उसके आगे की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू अपॉन टी होता है, जहां क्यू क्या है आवेश है और टी क्या है समय, आई क्या है बहने वाली विद्युत धारा है। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। अब यहां से हम क्या करें कि यदि हम टी बराबर क्या कर दें, टी बराबर 1 रखने पर, अगर हम टी बराबर यहां पे 1 रख दें तो आई बराबर हमें कि एकांक समय में किसी भी चालक में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। तो क्यू बराबर क्या हम लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई टी। अब हम देखते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर देखिए, किसी एक कूलाम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विभवांतर एक अदिश राशि है, यहाँ पे कौन सी राशि है, अदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलाम होता है। इसकी विभा क्या होती है, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -1 होती है इसकी विभा, ठीक है। इसका मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। इसका सूत्र क्या होता है, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, जिसको हम लिख सकते हैं बी बराबर बी ए माइनस बी बी। ओके, उसके बाद हम चलते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी चालक पर आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, कैसी राशि, अदिश राशि, तथा इसका एसआई पद्धति में इसका मात्रक ओम होता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, तो R बराबर हमारा क्या होगा, B अपॉन I, जहां इसके मात्रक होते हैं वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओम या 1/1 होता है। यहां R क्या है, ये यह आपका यहां पे R जो है वस्तु का प्रतिरोध है जो कि हम ओम में नापते हैं। B क्या है हमारा, वस्तु के आर पार विभवांतर है जो कि वोल्ट में मापते हैं। I क्या है, वस्तु से होकर बहने वाली विद्युत धारा है जिसे हम एम्पियर में मापते हैं। इसकी बीमा क्या होती है, इसकी बीमा जो है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2 होती है, इसकी बीमा होती है। तो यहाँ पे यदि हम एक चालक लगाएं और इसमें एक बैटरी लगा के यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है करंट हमारा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होने लगता है। तो इस मार्ग में, पूरे मार्ग में जो रुकावट, इस करंट को रुकावट उत्पन्न करेगा बहने में, उसी को हम क्या, रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे जो है इसी को हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ से और एक डिफिनीशन लिख सकते हैं कि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक,